हेलो स्टूडेंट, यू आर वेरी वेलकम टू इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा। आज क्लास नाइन्थ के अंतर्गत ग्रामर से सेक्शन बी से पार्ट ऑफ ए सेंटेंस के टॉपिक पर बातें करेंगे। तो आइए देखें कि पार्ट ऑफ ए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को समझने के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आवश्यक हैं, जैसे नंबर वन, लेटर, अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर वन, वावेल, जिसे स्वर कहते हैं, ए ई आई ओ यू, इनकी संख्या 5 है। देखिए, ध्यान से देखिए, जो अल्फ़ाबेट जो होता है, ये चूँकि क्या है, सबका ग्रुप है, जो ए टू जेड होते हैं उनको ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, इनको अल्फ़ाबेट्स नहीं कहते हैं, क्योंकि ये एक वचन में ही माना जाता है। कहने का मतलब, सब मिला करके अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए, वावेल, नंबर वन वावेल, स्वर, ए ई आई ओ यू, इनकी संख्या कितनी है, 5 है। अब वावेल किसे कहते हैं, जब हम प्रोनाउंसिएशन में जो पहला लेटर अपना होता है वो क्या आता है, आ से, आ से प्रारंभ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे क्या हो गया, इंग्लिश में ही कहिएगा, जैसे एनिमल ए हो गया, और अम्ब्रेला आ हो गया, क्योंकि वहाँ पे यू है, फिर भी हम यहाँ पे आ हो रहा है, तो हम ये एन करेंगे वहाँ पे। खैर छोड़िए, अभी उसको देखेंगे, बताएंगे आपको। तो वावेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, इनकी संख्या कितनी है, 5 है। नंबर टू, कॉन्सोनेंट, व्यंजन, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एन एम एन पी क्यू आर एस टी यू एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 21 होते हैं। ठीक है, टू वर्ड्स, शब्द, लेटर का वह सार्थक समूह जो अस्पष्ट अर्थ देता है, वर्ड कहलाता है। कहने का मतलब, जब ये अल्फ़ाबेट मिलेंगे, एक सार्थक समूह में आएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो शब्द हो जाएगा। ओके, तो वर्ड्स हो गया, एम ए एन, मैन, आदमी, सी एच ए आई आर, चेयर, कुर्सी, बी ए टी, बैट, बल्ला। नंबर थर्ड, फ्रेज, शब्द समूह कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फ्रेज। देखिए, फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको हमेशा भविष्य में काम आते रहते हैं, इस पर आपसे क्वेश्चन करते रहते हैं। ठीक है, ये नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ सभी में आते हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है, फ्रेज, शब्द समूह। फ्रेज शब्दों का वह समूह है जिसका अर्थ होती हुई भी पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता है। फ्रेज शब्दों का वह समूह है जिसका अर्थ होते हुए भी पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता है। जैसे इन द कॉर्नर, कोने में कौन बैठा है, ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये भी कंप्लीट नहीं है, वो कोने में है। इनटू द वेल, कुएं में क्या है, मेंढक है कि आदमी गिरा है कि क्या है, ये कन्फर्म नहीं है। तो जहाँ पे आपका कर्ता ना हो वो, और क्रिया ना हो, क्या होता है, फ्रेज होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, इनटू द वेल, कुएं में, अब कुएं में कौन गिरा है, कौन है, कोई वो नहीं है। सिटिंग इन द गार्डन, बाग में बैठकर, अब बैठ करके क्या कर रहा है, मतलब पढ़ रहा है, घूम रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है, कोई कन्फर्म, और कौन है ये भी कन्फर्म नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। तो इसे कहते हैं, शब्द समूह कहते हैं। फोर्थ आइए, क्लॉज उपवाक्य। अब देखिए, उपवाक्य क्या होते हैं, उपवाक्य क्या, ये जो सेंटेंस होता है इसका एक भाग होता है। जैसे सेंटेंस क्या होते हैं, कभी कभी दो क्लास को मिला करके एक सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। क्लॉज किसी वाक्य का वह भाग होता है जिसमें कर्ता, सब्जेक्ट तथा क्रिया दोनों होते हैं। कहने का मतलब, कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं, देख लीजिए, कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। जैसे सीता सेड दैट ही वाज ए टीचर, सीता ने कहा कि वह एक अध्यापक था। देयर इज ए बॉय, देखिए देयर इज ए बॉय, यह कर्ता हो गया, देयर इज ए बॉय,
और ये इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब है इसमें, तो ये कंप्लीट हो गया। देयर इज ए बॉय, एक लड़का था, एक लड़का है, हु इज माई फ्रेंड, जो कि मेरा मित्र है। तो दोनों वाक्यों में क्या है, दो दो क्लाज है, ठीक है, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेज, तो फ्रेज को, और इसको सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक पर लिख लेंगे, इसको फ्रेज और क्लाज ये आपको याद होना चाहिए। ओके, यू शुड टू लर्न, तो इसको याद कर लेना आप। आगे पढ़ाते हैं, नंबर 5, सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं इसके बारे में देख लीजिए। शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। सेंटेंस मतलब शब्दों का ऐसा समूह, कई शब्दों का ऐसा समूह हो जाता है जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है, कहने का मतलब एक भाव सेंस निकलता हो, उसे क्या कहते हैं, वाक्य। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, क्या कहलाता है, एक सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे द मैन इज इन द हाउस, आदमी घर में है, थोड़ा इसमें इरेज हो गया है, हाउस इन द हाउस, आदमी घर में है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। देखिए द, अब देखिए अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट है, टी एच ई द क्या हो गया, वर्ड बन गया, फिर एस यू एन ये भी अल्फ़ाबेट है, सन हो गया, उसके बाद सब मिला करके, सब वर्ड्स को मिला करके एक सेंटेंस बन गया जिससे कुछ पूर्व भाव या कुछ मतलब ऐसे सेंस निकले जो कि अपने आप में कंप्लीट रहे। ओके, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। वाक्य के मुख्यतः दो भाग होते हैं, अब देखिए आगे आइए, वाक्य के मुख्यतः दो भाग होते हैं, नंबर 1 सब्जेक्ट कर्ता तथा नंबर 2 प्रेडिकेट या विधेय। कहने का मतलब एक सेंटेंस में दो भाग होते हैं, मेन जो होते हैं दो भाग होते हैं, यही पहचानना होता है। अगर आप ये पहचानते हैं तो आपको ट्रांसलेशन करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बस आपको पहचानना होगा कि कौन सा चीज़ कैसा है। कहने का मतलब क्या 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 मुख्य भाग इसमें हैं, कौन कौन से इसके पार्ट हैं, तो पहले जानिए कि सेंटेंस के केवल मुख्यतः दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट कर्ता एंड सेकेंड प्रेडिकेट विधेय पार्ट। सब्जेक्ट कर्ता देख लीजिए, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट कर्ता, वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। प्रेडिकेट द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस व्हिच समथिंग इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, कहने का मतलब जो अगर सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है तो क्या होता है, वो कर्ता होता है, और अगर कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए, अगर कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए तो क्या हो जाता है, वो प्रेडिकेट होता है। कहने का मतलब सब्जेक्ट एक जगह इंडिकेट किया जाता है सेंटेंस में, और दूसरी तरफ सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। ओके, समझ में आया, ओके, थैंक यू।